नमस्कार दोस्तों, देखिए आज ये दो कलर की डिज़ाइन डाले बनाएंगे। ये डिज़ाइन थोड़ी सी हल्की सी, ये वेव सी है, ये कंगूरे टाइप का, ये नीचे इस तरह से आया हुआ है। इसे एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप एक कलर से भी यूज़ कर सकते हैं और दो कलर या मल्टी कलर से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक इतना एक कलर से डाला, दूसरा दूसरे कलर से, तीसरा तीसरे कलर के, इस तरह से आपके पास जो भी कई शेड के ऊन हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल ये इतनी डिज़ाइन जो है 8 सिलाई की है, वही बार बार रिपीट हुई है। और इसमें मैंने यहाँ पे डाले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29। ये 24 फंदे प्लस 5 फंदे, 7 के मल्टीपल और प्लस 1 और प्लस 5 फंदे हम डालेंगे तो ये डिज़ाइन सही आ जाती है। और इसकी दूसरी चौथी और दूसरी चौथी छठी और सातवीं, सेकेंड फोर्थ सिक्स और सेवेंथ रो उल्टी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये मैंने मैरून कलर से ये 8 रोज कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम क्रीम कलर से बनाएंगे, क्योंकि डार्क कलर में थोड़ा दिखने में दिक्कत होती है, इसलिए जब क्रीम कलर से हम लाइट कलर से बनाएंगे। इसकी फर्स्ट रो पहला फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और एक, ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हम ऊन को आगे करेंगे इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जालियां सी ये बन रही हैं, तो इसके लिए हम ऊन को आगे करेंगे। फिर ये देखिए 1 फंदा बढ़ गया, फिर 1 और 2, 2 फंदे हमने सीधे बनाए। उसके बाद ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों में हम पीछे वाले फंदे को ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे सिलाई घुसाएंगे, अपनी सिलाई पे ले लेंगे और पीछे वाले आगे वाले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। ये फंदा थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो इसको मैं सही कर लेती हूँ। ये 2 फंदे हैं, पहला और दूसरा। ये पीछे वाले फंदे को हम ऐसे सिलाई पे ले लेंगे और जो ये आगे वाला फंदा है इसको हम पीछे, ये देखिए आगे वाले फंदे को हमने ये पीछे ले लिया और ये पीछे वाले फंदे को आगे। ये हमारे पास 2 फंदे हमने ट्विस्ट कर लिए। अब ये 2 फंदे जो ट्विस्ट वाले और 1 फंदा और, ये देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे हम एक साथ इस तरह से लेंगे और पीछे से 3 का 1 सीधा बुन देंगे, 2 ट्विस्टेड वाले और 1 उसके बगल वाला। 3 फंदे हम एक साथ सिलाई पे लेंगे और पीछे से सीधा बुन देंगे, जो ये आप छोटी सी देख रहे हैं ये इसके लिए। फिर उसके बाद 2 सीधे, 1 2, 2 सीधे, फिर ऊन को हम आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा। उसके बाद हम जो स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे बनाया था वही हमें फिर से रिपीट करना है। 1 सीधा हमने बुन लिया, फिर हम उनको आगे करेंगे और 1 और 1, ये 2 सीधे, फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट कराएंगे, पीछे वाला फंदा हम सिलाई पे ऐसे ले लेंगे और आगे वाला जो फंदा है इसको पीछे ले लेंगे और पीछे वाले को आगे। ये देखिए ये 2 फंदे हमने ट्विस्ट करा दिए, ये 2 ट्विस्टेड फंदे और 1 उसके पीछे वाला, ये 3 फंदे एक साथ सिलाई पे हम लेंगे और इसको पीछे से 3 फंदे एक साथ हम बना देंगे। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, उनको आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा। उसके बाद फिर उन आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 1, ये 2।
अब ये दो फंदों को हमें फिर से ट्विस्ट करना है। ये जो पीछे वाला फंदा है इसको सिलाई पे ऐसे ले लेंगे जिससे स्लिप ना करे, और ये आगे वाले को पीछे ले लेंगे इस तरह से, पीछे वाले को आगे। ये देखिए ये दोनों फंदे इस तरह से आपको ट्विस्ट हो गए, ये दोनों ट्विस्टर फंदे और एक उसके बाद वाला फंदा। ये तीन फंदे पीछे साइड से, ये देख लीजिए कि तीनों फंदे हों, तीन फंदे एक साथ सीधे बन गए। अब एक फंदा सीधा, अब हमारे पास लास्ट में तीन फंदे बचे, तो ऊन आगे और लास्ट के ये तीन फंदे सीधे, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे जो कि हमारी सेकेंड रो होगी। ये देखिए सेकेंड रो हमारी टोटल उल्टी थी पूरी, वो हमने बिन ली। अब हम वापस थर्ड रो में राइट साइड पे आ गए, फिर उसके बाद हमें पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर तीन फंदे हमें सीधे बुनने हैं, वन टू और ये थ्री, तीन फंदे हमने सीधे बुने। उसके बाद हम ऊन को आगे करेंगे, ऊन आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उसके बाद दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहला पीछे वाला फंदा उल्टी डायरेक्शन में सिलाई को इंसर्ट करके और अपने सिलाई पे ले लेंगे, और ये जो पीछे आगे वाला फंदा है इसको, ये देखिए आगे वाले फंदे को हमने पीछे ले लिया, ये दो फंदे हैं, पीछे वाले को हमने सिलाई पे ले लिया और आगे वाले को पीछे। अब इस तरह से इसको आगे कर लिए, ये दो ट्विस्टेड फंदे और एक फंदा और, इन तीनों फंदों को हम एक साथ सीधा पीछे से बुन देंगे, तीन का एक कर देंगे, ये जो बीच की सेंटर की चोटी बन रही है ये उसके लिए है, तीन का एक सीधा कर देंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा ऊन को आगे करेंगे और फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर ऊन आगे एक सीधा, दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, पहला पीछे वाला फंदा हमने आगे ले लिया और ये जो आगे वाला फंदा था इसको पीछे ले लेंगे इस तरह से, और ये दो फंदे ट्विस्टेड वाले जो पीछे का आगे और आगे का पीछे किया हमने उसको, वो दो फंदे और एक फंदा ये, और ये तीन फंदे एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे से तीन का एक सीधा हम बना देंगे, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा ऊन को आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा और दो फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, ये पीछे वाला फंदा हमने सिलाई पे ले लिया और ये जो आगे वाला फंदा है ये बस ध्यान रखेंगे कि ट्विस्ट ना करे, ये स्लिप भी ना होने पाए, दो ये ट्विस्टेड फंदे और एक ये वाला, तीनों फंदे एक साथ पीछे से ये सीधा बुन देंगे। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास वन टू थ्री फोर बचे, ये देखिए लास्ट में हमारे पास फोर फंदे बचे हैं, फोर स्टिचेस बची हैं, तो ऊन आगे करेंगे और ये चार फंदे हम वन टू थ्री और ये लास्ट वाला इस तरह से, ये देखिए ये तीन का एक कर रहे हैं वो इस चोटी के लिए, और उल्टी सिलाई जो कि हमारी फोर्थ रो होगी हम टोटल उल्टी बनाएंगे। फोर्थ रो हमारी उल्टी थी, फिफ्थ रो हमारी राइट साइड की है, अब हम इसे फिफ्थ रो बनाएंगे। अब फिफ्थ रो के लिए पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे, स्लिप कर लेंगे, उसके बाद चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार,
आपने ध्यान दिया होगा, सबसे स्टार्टिंग में ये दो थे, फिर उसके बाद तीन हुए, अब ये चार हो गए। चार फंदे सीधे करेंगे, ऊन को आगे करेंगे और वो फंदे को अब हम ट्विस्ट कर लेंगे। पीछे वाला फंदा ये, इसको हमने सिलाई पे उतार लिया, और ये जो आगे वाला फंदा है, इन फंदे को ऐसे गिरा लेंगे और आगे वाले फंदे को ये हम पीछे ले लेंगे। आगे वाले फंदे को पीछे ले लिया और ये जो पीछे वाला फंदा था इसको आगे, और इन दो ट्विस्टेड फंदों को और एक इसके पीछे वाले को, इन तीनों फंदों को इस तरह से लेंगे और पीछे से ये तीन फंदों को एक फंदा कर देंगे। ये तीन का एक हो गया। उसके बाद फिर हमें ऊन को आगे करना है और हम पांच फंदे सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए यहाँ पे जाली है तो हम उनको आगे कर लेंगे। इन दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो जो ये पीछे वाला फंदा है, ये जो आगे वाला है ये पीछे जाएगा, ये पीछे वाला आगे। तो पीछे वाले फंदे को हम पहले सलाई पे ले लेंगे और ये आगे वाले को सलाई से उतारेंगे। और ये देखिए, आप ऐसे दिक्कत हो तो आप दूसरे किसी निडल की हेल्प ले लें। ये पीछे कर लिया और पीछे वाले को ये आगे, और ये दो फंदे और जो एक और फंदा है, ये तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई पे लेंगे और पीछे से ये पीछे से तीन फंदों को एक फंदा बना देंगे। फिर देखिए यहाँ पे जाली है, ऊन आगे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, ये पांच, पांच फंदे सीधे। देखिए यहाँ पे जाली आ गई, तो हम ऊन आगे कर लेंगे। इन दो फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। ये पीछे वाले फंदे को हम सलाई पे ले लेंगे और पहला वाला फंदा सलाई, आगे वाला फंदा इस तरह से पीछे से सलाई पे ले लेंगे, और जो हमने फंदा पीछे वाला था उसको ये इस तरह से सिलाई पे लेके दो ट्विस्टेड वाले और एक और ये तीसरा वाला, इन तीनों फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बना देंगे। अब ये लास्ट में देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास चार फंदे बचे थे, अब यहाँ पे हमारे पास चार फंदे बचे हैं, तो इनको उन आगे कर लेंगे। लास्ट में चार या पांच जो फंदे आपके बचेंगे उनको एक, दो, तीन और एक ही लास्ट वाला ये। अब ये वाली हमारी पांचवी सिलाई थी राइट साइड की, ये उल्टी साइड की छठी सिलाई है जिसको कि हम पूरा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए इसको उल्टा बना लेते हैं। ये छठी सिलाई पूरी हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे ये इस तरह से बनेगा। ये हाफ जैकेट, कोटी या कार्डिगन पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारी ये सेवेंथ रो है। सेवेंथ रो में पहला फंदा तो उतार लेंगे और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये आप देख रहे होंगे ना, ये जो दो उल्टी सिलाइयाँ दिख रही हैं लहरिया सी, ये वाला फंदा अब हम ये बना रहे हैं। तो दो सिलाई, ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो चलिए नॉर्मल जैसे उल्टे बनाते हैं, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने उल्टे बना लिए। ये एक छोटी सी धारी आ गई। अब हम उल्टी तरफ आ गए, जो कि हमारी आठवीं सिलाई होगी। हम इसे पूरी सीधी बना लेंगे। ये है रॉन्ग साइड, बट हम बनाएंगे इसको सीधी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे करेंगे और ये सारे फंदे एक, दो, जैसे सीधे बनते वैसे हम अंत पूरी सीधा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये दो धारियाँ आ गई। ये इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कलर अपना मरून कलर लगाएंगे, और जैसे हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया था उसी तरह से हम इसे आठ सिलाइयाँ फिर से रिपीट करते रहेंगे। इसे आप मल्टी कलर और या दो कलर या एक कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। तो बन के ये देखिए नीचे ऐसे कंगूरे से आते हैं,
बन के ये बहुत ही सुंदर लगती है, स्पेशली लेडीज जैकेट्स और कार्डिगन्स में। तो आप इसे ट्राई करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंजॉय निटिंग, थैंक यू।